अर्चना है और मेरी काफी दिनों से दिक्कत थी, दर्द होया करता बैठे रहते 25 साल रात, तो बहुत तकलीफ में थी मैं। तो मणिपाल के बारे में बताया बच्चों को किसी ने, तो वहाँ में डॉक्टर साहब गोयल, विक्रम गोयल मिले हमें, उनसे बात करी बच्चों ने, तो बोले उन्होंने देखा, बोले हाँ ट्रीटमेंट करेंगे हम। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करा अच्छे से और बहुत अच्छे से केयर किया, पूरा स्टाफ बहुत अच्छा था और मेरा इलाज बहुत अच्छे हो गया, मेरे मुँह आराम आया। मेरे को 2 हफ्ते हो गए, उसके बाद में मेरे को उन्होंने बुलाया फिर वापस दोबारा, फिर मेरे साथ बहुत अच्छे से पैसा आए, बातचीत करी मेरे से, बहुत खुश हुए मेरे को देख के, और उन्होंने मेरे को हफ्ते भर में इलाज करके देख दिया। मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चों के साथ, परिवार के साथ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम नीतू राठौर है और मेरी मदर इन लॉ का ट्रीटमेंट डॉक्टर विक्रम गोयल से हमने करवाया है। काफ़ी दिनों से इन्हें परेशानी हो रही थी, पिछले 1-1.5 साल से हम लोग काफ़ी परेशान थे। 3-4 डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया मिले, बट कोई सेटिस्फेक्शन हमें मिला नहीं। देन वी वेंट टू मणिपाल हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर विक्रम गोयल हैं जिन्होंने एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मेरी मदर इन लॉ को ट्रीटमेंट दिया है, एंड बाईपास सर्जरी बहुत ईजीली डन हो गई है, एंड विद इन 7 डेज वो घर वापस आ गई हैं और अपना रूटीन जो भी उनका है वो कर पा रही हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। मेरे पास मल्टी वेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण आई थी, जिनके मतलब हृदय रोग था और साथ में कोरोनरी आर्टरीज में मल्टीपल ब्लॉकेज थे। ये करीब 70 साल की महिला हैं और इनको बाईपास सर्जरी की आवश्यकता थी इनको जीवन को बचाए रखने के लिए। जब मेरी इनसे बात हुई तो मुझे ये आभास हुआ कि ये 3-4 डॉक्टरों को पहले भी दिखा चुकी हैं और उनकी जो डर बहुत ज़्यादा है इनको बाईपास सर्जरी से संबंधित, और इनका कंप्लायंस बहुत ही मिनिमल है। और जब मैंने इनका डर और एप्रीहेंशन देखा और मुझे लगा कि ये एक्सेप्टेबिलिटी इनकी बाईपास के लिए नहीं है और बहुत ही फोर्स्ड एक्ट के रूप में शायद ये बाईपास सर्जरी के लिए रिलक्टेंटली मानेंगी, क्योंकि यह तो इनको पता था कि जीवन पॉसिबल नहीं है बाईपास के बिना, लेकिन बाईपास चाहती भी नहीं है। तो ये बड़ा उहापोह की स्थिति थी मेरे लिए भी और मरीज के लिए भी। तो फिर मुझे निर्णय लेना पड़ा कि ऐसा कुछ करना चाहिए इनको देख के, इनसे मिल के, इनको जान के, कि इनकी बाईपास सर्जरी हो जाए लेकिन इनको तकलीफ बाईपास सर्जरी जैसी ना हो, या जो इनके मन में जो तकलीफ की कल्पना है वो ना हो। तो यह सोच के हमने इनको मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी ऑफर की। ये प्लान किया गया कि इनकी सर्जरी एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड और मिनिमल इन्वेजिव वे से करी जाए, जिसके चलते केवल 2 से 3 इंच का इंसिजन लगे सम मेमोरी, जिस जो दिखे भी ना और हड्डी ना कटे, जो कि कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी की मेन प्रॉब्लम है। और जब हड्डी नहीं कटेगी तो कोई वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी और रिकवरी बहुत ही फास्ट होगी और पेशेंट की बाईपास सर्जरी हम कर पाएंगे बिना पेशेंट को तकलीफ दिए हुए। यहाँ यह बताना जरूरी है कि ये बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है और टेक्निक है, जिसका हमारे पास 10-12 साल 14 साल पहले का से कंटिन्यूस अनवरत एक्सपीरियंस है। हम इस टेक्निक को कई पेशेंट में ऑफर कर चुके हैं और करते रहे हैं, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस था। हमारे पास मणिपाल अस्पताल में दुनिया का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस इक्विपमेंट बेस है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है। मेरी टीम में जिसमें डॉक्टर मुनीश भुतेजा, मेरे फेलो कार्डियक सर्जन डॉक्टर रामशरण, जो इन सब चीज़ों के इस पूरे प्रोसेस में मेरे साथ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। तो कुल मिला के हमने ये मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी करी, जिसमें हमने शरीर के लेफ्ट साइड में 2-3 इंच का इंसिजन दिया सब मेमोरी, और उसके चलते ये मल्टी ग्राफ्ट मल्टी वेसल ग्राफ्ट हम एग्जैक्टली सेम वे में कर पाए जो कि हम कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी में करते रहे हैं। और सबसे सुखद बात यह रही कि पेशेंट बिकेम एब्सोल्युटली नॉर्मल ऑन डे 2 एंड डे 3,
एंड जो भी उनका एप्रीहेंशन था वो बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं, उड़ गया, फू हो गया. एंड जो उनके चेहरे के खूबसूरत एक्सप्रेशन जो हमें पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में देखने को मिले, उससे जो हमारा जो एफर्ट जो हमें सर्जरी के दौरान लगा, एक्स्ट्रा एफर्ट, उसका उसका जो थकान और उसका जो एफर्ट, वो बिल्कुल गायब हो गया. और नाउ द सिचुएशन इज दैट पेशेंट इज डूइंग एक्सट्रीमली फाइन एंड शी इज हैप्पी, शी इज डूइंग हर नॉर्मल वर्क इन अ एब्सोल्युटली नॉर्मल वे. एंड आई थिंक दिस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री टू ऑल ऑफ अस.